राजनीति खास जनतन के लागि नै गर्न हो, जुन अन्यायमा परलबाटै पीडितबाटै पाछा परलबाटै राज्य से डान्से पहुँचमा कमजोर बाटै उहाँ हुकन के लागि लागि नै राजनीति गर्लक हो। यी मोर सबसे मेन उद्देश्य हो, राजनीति ऐना कारण नै हो। राजनीतिमा आबद्ध चाहिँ मै भर्खर स्थानीय चुनावके बाद राजनीतिमा एकदम सक्रिय हिलाटु। ऐसी लागल कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै एकठो गरिबन के पार्टी और जाके पिछड़ा वर्गन के पार्टी और एक ठो अन्याय में परल समुदाय के पार्टी हो कही के ऐसी महसूस हो के मैं नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में लगल रही। यहीं से पहले जोन हुई हुई आप ऐना को फे राष्ट्रघाती समझौता नहीं हुई चाहिए कही के नहीं हमारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में मैं आपक ढुला दूँ। हमारे पार्टी के मुख्य एजेंडा सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान सहित के संहिता हो, ये चाहे अब के लागे स्ट्रीम एजेंडा हो गए। ई एजेंडा चाहे हमार पार्टी के बहुत संग्रहण मन नहीं पड़थिन बहुत पार्टी के। पहले ये एजेंडा माओवादी के रहे, तर ई माओवादी ई एजेंडा चाहे लगभग छोड़ के गई गलक अवस्था बा। अब चाहे हमारे नया पार्टी नया एजेंडा लेके आए राटी। शुरुआत को अवस्था हो, अलग शुरुआत को अवस्था में कहीं गाड़ो होना सकता, तर हमें जो एजेंडा लो एजेंडा को हमी प्रदेश में संसद में इसको बारे में छलफल करने अडान राख्ने, अडान ले गर्दा नि त्यहाँ संकल्प प्रस्ताव राख्ने त्यो विषय में बृहत छलफल होने। हमार पार्टी के एजेंडा कलक पहचान तो प्रमुख बलि बा, तर यहीं से पहले हमें एक ठो न्याय चाहल बा। जोन अन्याय में पड़ला उकरलक न्याय चाहल बा। ई चाहिँ हमार जो रेशम चौधरी रेशम हाँ एकदम रेशम चौधरी लगायत दर्जनों बाटे हमार जेल में अनि लगभग 5 दर्जन से ढेर भाग के बैठला थे वहाँ होकन के कला फिर अन्याय में पड़ला थे। विकास करना चीज़ एक तो निरंतर प्रक्रिया है, विकास है ना कोई फिर रोके नहीं सके, तर हमने विकास करना एक तो प्रक्रिया बा। वो प्रक्रिया है ना सहज हो जाके नीतिगत बनाए नहीं सके हमारे यहाँ समस्या अलग हो। नीति बनाई ना मना हमारे ब्रांच पचगोरा लाती, जस्ते मैं पहचान प्लस विकास से जोड़ सकता हूँ। जस्ते अब के उदाहरण दी लेटेस्ट हमार बर्दिया के सबसे भारी वायरल बनल बा एक ठो जब्दी पुल, मैं वो दुई कारण ले भटकल गई गए। एक ठो पहलो नंबर हो भ्रष्टाचारी, वो तो सब जहाँ ठाई बा लगभग भ्रष्टाचार कारण ले भटकल कना लगभग सबको जहाँ ठा बा। और दोसरो चाहे हमारे समुदाय थारू समुदाय के पहचान गुमलक कारण ले फिर जब्दी पुल भटकल बा। मैं एक स्पष्ट कैसे कर चाहतु कल से आदरणीय दर्शकवृन्दहरु नमस्कार। चुनावी यात्राको क्रममा आज हामी लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनुहुने बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 को खका उम्मेदवार राजकुमार चौधरीलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ राजकुमारजी हजुरलाई यो चुनावी यात्रामा। हजुर धन्यवाद धन्यवाद यशु सर, मलाई आफ्नो जनतामाज आफ्नो मन्तव्य आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न दिनुभएको। हस् हामी अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ, हामीले जनताका प्रश्नहरू राख्नेछौँ, तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुहुनेछ र जवाफ दिँदा फेरि भाषामा हजुर एउटा चौधरी समुदायको भएको हुनाले भाषामा तलमाथि हुनसक्छ, हजुरलाई जुन भाषा सहज लाग्छ थारू भाषामा अथवा नेपाली भाषामा जुन भाषामा सहज लाग्छ त्यसरी जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। हस् हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ है त। हुन्छ धन्यवाद। तपाईँले आफ्ना मतदाताहरू जुन क्षेत्रबाट तपाईँ उठ्नु भएको छ बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट हजुर त्यहाँ रहनुहुने जनताहरूलाई कसरी आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? मोर नाउँ चाहिँ राजकुमार चौधरी हो, मोर घर चाहिँ 12 बर्दिया 10 गुमस्ता। मै छोटिएसे एक ठो सुकुम्बासीमा जन्मला कारणले लगभग एकदम सङ्घर्षसे बाचा लाटुँ। ओ मैं एक ठो वैदेशिक जीवन फिर बिता के आएलक हिटूँ 5 वर्ष, तो इस हिसाब से मैं अपन देश है ना एकदम ढेर माया करके देश में प्रगति कैसे करना हो, बेरोजगारी समस्या कैसे समाधान करना हो, ई विषय के लागि गहन सोच के विचार करके एक ठो देश है ना आगे बढ़ना सोच लेके आगे बढ़लक एक ठो युवा हिटूँ। मैं ऐसी के परिचय दिन चाहूँ। हामीले विशेष गरी उम्मेदवारहरूलाई एउटा प्रश्न चाहिँ नछुटाई गर्ने गरेका छौँ, व्यवसाय के छ भनेर। हजुर यो प्रश्न हजुरलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण हजुरको व्यवसाय के? बहुत मजा प्रश्न पुछली, कागरी के राजनीति गर्न मनकि एक ठो
ब्याक बोन चाहिँ हुई पर राजनीति काकरी राजनीति कना एक ठो निस्वार्थ सेवा हो। मै चाहिँ एक ठो ल्यापटप रिपेयरिङ के इन्जिनियरिङ गर्के अहिले फिटु दिल्ली से अब ल्यापटप रिपेयरिङ लगभग कर्ती बाटु त साथ साथ मोर व्यवसाय फेबा ओकर साथ साथ मै उ छोड़के अब चाहिँ राजनीतिमा एकदम आबद्ध हुलाटु। मोर चाहिँ अब राजनीतिमा सेवा करना भावनाले राजनीति लागलाटु। हजुरले आफ्नो व्यवसायलाई साइडमा राखेर हैन प्राथमिकता राजनीतिलाई दिनु भएको छ, राजनीति के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ? राजनीति खास जनतनकै लागि नै गर्न हो, जुन अन्यायमा परलाटै पीडितबाटै पाछा परलाटै राज्य सिद्धान्त पहुँचमा कमजोरबाटै उहाँ हुकनकै लागि नै राजनीति गर्लक हो। यी मोर सबसे मेन उद्देश्य हो, राजनीति ऐना कारण नै हो। आबद्ध कहिलेदेखि हुनुभयो राजनीतिमा? आबद्ध चाहिँ मै भर्खर स्थानीय चुनावके बाद राजनीतिमा एकदम सक्रिय हुलाटु, काहेकर कि हाम्रो पार्टी नै सकभर भर्खर भर्खर अहिले कारणले फे राजनीतिमा अहिलेको हो। को पहिलो कोनो फे राजनीतिमा आबद्ध नै रहँ, हाम्रो नागरिक मुक्ति पार्टीमै पहिलो पटक म राजनीतिमा आबद्ध हुलाटु। अनि यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै किन रोज्नु भयो तपाईँले? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी काको रोज्नु कलसे काहेकर कि हाम्रो देशमा न जुन प्रमुख पार्टीबाटै काङ्ग्रेस माओवादी एमालेके जुन देशके मनमानी बा विभिन्न प्रकारके सम्झौता गर्थेँ, एमसिसी एसपिपी लगायतके विभिन्न प्रकारके अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा देशके हितके लागि नै गर्न काम ओजाके जनतनके पक्षमा नै बोल्दैन, आफ्न स्वार्थ पूर्तिके लागि गठबन्धन गर्तिरहना ठाउँ ठाउँ समय समयमा। यी कारणसे फे ऐसिन लागल कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै एक ठो गरिबनके पार्टी ओजाके पिछडा वर्गनके पार्टी और एक ठो अन्यायमा परल समुदायके पार्टी हो कहिके ऐसिन महसुस हो कि म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लग्न खोजेँ। हजुर, एमसिसीको बारेमा केही कुराहरू राख्नुभयो, एमसिसी के तपाईँलाई मन परेको या नपरेको? एमसिसी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ आवश्यक थिएन किनकि एमसिसी मलाई ठिकै मन परेको छ। अनि हजुरको पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमसिसीका बारेमा खासै बोलिएको देखेन, यो गलत हो भनेर आवाज उठाएको पनि देखिएन, किन किन हो? कि तपाईँलाई मात्रै मन नपरेको, पार्टीलाई मन परेको एमसिसी, अथवा के हो यसबारे बताइदिनु न। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फागुनमा जन्मलक हो, काहेकर कि एमसिसी पास हुनक बाद जन्मलक हुलो कारणले हाम्रो पास पहिले विरोध गरेर फेरि सिक्ली ओकर बारे त विरुद्धमा फेरि हाम्रो बोल्न अवस्था नै रह। हाम्रो जोन उनसे पहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा नै रही, उनसे पहिले हाम्रो सडकमा रही ओकर लाग विरोध गर्ली, तर बाट कहो कला से अब आइगिली यहीँसे पहिले जोन हुइल हुइल आप ऐना कोनो फे राष्ट्रघाटी सम्झौता नै हुक चाहि कहिके नै हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा मै आपक ढुइलाटु। पार्टीको मुख्य एजेन्डा के हुन्? हाम्रो पार्टीके मुख्य एजेन्डा सांस्कृतिक भौगोलिक पहिचान सहितके संहिता हो, यी चाहिँ अबके लागि स्ट्रिम एजेन्डा हो गेल। ओ यी एजेन्डा चाहिँ हाम्रो पार्टीके बहुत सङ्ग्रह मन नै पर्थिन् बहुत पार्टीके। पहिले यी एजेन्डा माओवादीके रहे, तर यी माओवादी यी एजेन्डा चाहिँ लगभग छोडके गइ गेलक अवस्था बा। अब चाहिँ हाम्रो नयाँ पार्टी नयाँ एजेन्डा लिएर आएला टी यो ठिक रहन्छ भन्ने महसुस भएर छोडेका होला, अथवा के हो के लाग्छ तपाईँलाई, किन छोड्यो त माओवादीले त्यो एजेन्डा छोड्यो? फेरि अहिले तपाईँहरूले बोकिराख्नु भएको छ एजेन्डा छोड्न कारण बहुत रह, काहेकर कि पहिले अब राजनीतिक हुक्रे स्वार्थमा लागि नै कोनो फे एमाले माओवादी एमाले काङ्ग्रेसके दबाब फे हुइ गेलिन्, यी कारणसे फे उहाँ हुकनके स्वार्थ फे हुइ गेलिन्, यी कारणसे फे हाम्रो जुन पहिचानके मुद्दा रह उ चिजसँग दबा देने कुछ मात्रामा पहिचान दिलाइला। विशेष गरी यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कति जिल्लामा उठाउनु भएको छ उम्मेदवारी? देशभरिमसे लगभग लगभग सङ्घ अथवा प्रतिनिधि सभाके लागि चाहिँ 33 जनाबाट हाम्रो ओजाके प्रदेशके लागि चाहिँ हाम्रो 57 जना आती हाम्रो देशभरके लागि लगभग देशभरके पहाडी हिमाली क्षेत्रसे फे उम्मेदवारी ढेला रहे। सङ्घमा 33 जना उठाइरहँदा फेरि हजुरको मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि त बहुमत चाहियो होइन, अझ दुई तिहाई चाहिने होला, अनि 33 जना उठाइराख्नु भएको छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ तपाईँहरूको यो मुद्दा सफल गराउनको लागि? यो मुद्दा हाम्रो पनि पार्टी बलियो हुँदैछ, सुरुवातको अवस्था हो, अहिले सुरुवातको अवस्थामा केही गाह्रो हुनसक्छ, तर हामीले जुन एजेन्डा लिएर गएका छौँ त्यो एजेन्डाको लागि चाहिँ हामी प्रदेशमा संसदमा
यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, आफ्नो अडान राख्नेछौँ। अडानले गर्दा नि त्यहाँ सङ्कल्प प्रस्तावहरू राख्नेछौँ र त्यो विषयमा बृहत छलफल हुनेछ। जन्मिँदै मुद्दा लिएर जन्मेको पार्टी भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नुहुन्छ, यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, कस्तो खालको मुद्दा लिएर जन्मिएको पार्टी हो, जन्मिँदै मुद्दा लियो भन्नुहुन्छ, यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् जनतालाई। मुद्दा लिएके जन्मलक काकर कैगिल कलसे हाम्रो जुन थरुहत थरवानके विद्रोह टिकापुर विद्रोह आन्दोलन रह, जुन आन्दोलनके कारणले जुन पीडितबाट हाम्रो समुदायके उहाँ हुकन न्याय देहायक लाग्थ्यो हाम्रो जन्मलक पार्टी हो। तपाईँहरूको आदर्श व्यक्ति जसलाई मानिराख्नु भएको छ, अलग पार्टीबाट उम्मेदवार दिनुभएको थियो होइन, अलग पार्टीमा आबद्ध भएर चुनाव लड्नु भएको हो नि त, छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुको कारण के? आखिर जसपाले त आवाज उठाएकै थियो, आवाज बुलन्द पारेकै थियो। जसपा कलक काहो कलसे अब चाहिँ उहाँ फेरि एकठो राजनीतिक स्वार्थ रेशम चौधरी यहाँ सिधी बनाएके, हाम्रो माननीय रेशम चौधरी यहाँ सिधी बनाएके लगभग प्रत्येक पटक राज्य विस्तार मन राज्य मन जिना मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश होइन अनि स्वार्थ उठेन। जब फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँ लगलग से रेशम चौधरीको आवाज उठेन, उहीँसे आगे पाछे कबु नै हाम्रो माननीय रेशम दाजुको बारेमा नै बोल्दैन। यी कारण से फेरि अब हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माननीय रेशम चौधरी जेलभित्र से नयाँ पार्टी खोल्ल फेरि, जहाँ कि हुक्रे फेरि पहिचान हुन एकठो मन्त्रीमण्डल मन्त्री बन्न एकठो स्वार्थको रूपमा सिधी खेल बना दिएको कारणले फेरि उहाँ ऐसिन हुँदैन। पहिचानसहितको संहितालाई मात्र त जनता समृद्धि हुन सक्दैन, सुखी हुन सक्दैन होइन, यसबारे अब अलग तपाईँहरूको एजेन्डाहरू के छन् विकासका? यस हाम्रो पार्टीको एजेन्डा कलक पहिचान त प्रमुख बलिबा, तर यहीँ से पहिले हाम्रो एकठो न्याय चाहला, जोन अन्यायमा परला चाहिँ उकरलाग न्याय चाहला। यी चाहिँ हाम्रो जो रेशम चौधरी रेशम एकदम रेशम चौधरी लगायत दर्जनौबाट हाम्रो जेलमा अनि लगभग 5 दर्जन से ढेर भागके बैठला चाहिँ उहाँ हुकन के केलाग फेरि अन्यायमा परला चाहिँ नि, अन्यायमा परल समुदायको लागि न्याय चाहला सर्वप्रथम यी हो पहिचानको मुद्दा त हाम्रो पलिबा। जितेर गइसकेपछि हजुरको मुख्य एजेन्डा भनेको पहिचान सहितको संघीयताका लागि र रेशम चौधरीको उन्मुक्तिका लागि आवाज उठाउनुहुन्छ। माननीय रेशम चौधरी केल नाही उहाँ लगायत दर्जनौ जेलमा पर्ला चाहिँ उहाँ हुकनके लागि ओ जाके 5 दर्जन से ढेर बाहिरबाटै उहाँ हुकनके लागि ओ जानके हाम्रो थारू समुदायके अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नै हो, त यी एकर आवाजके लागि फे एकर उन्मुक्तिके लागि के लागि फे हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य एजेन्डा बनल बा। और हम अपने पहले तमने प्रश्न पूछली कि विकास के बारे में, विकास केना चीज एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास है ना कोई फे रोके नहीं सकी, तर हमने विकास करना एक प्रक्रिया बा, ऊ प्रक्रिया है ना सहज हो जाके नीतिगत बनाए नहीं सके हमारे यहाँ समस्या इलाको नीति बनेना मना हमारे ब्रांच पचगोर लाती, जस्ते मैं पहचान प्लस विकास न जोड़ सकूँ। जस्ते अब के उदाहरण दी लेटेस्ट हमार बर्दिया के सबसे भारी वायरल बनल बा एक ठो जब्दी पुल, मैं ऊ दुई कारणले भटकल गई थो, एक ठो पहिलो नंबर हो भ्रष्टाचारी ऊ तो सब जहाँ ठाई बा लगभग भ्रष्टाचार कारणले भटकल कना लगभग सकू जहाँ ठा बा, दोसरो चाहिँ हमारे समुदाय थारू समुदाय के पहचान गुमलक कारणले फिर जब्दी पुल भटकल बा। मैं एक स्पष्ट कैसे कर चाहटू कल से यदि इंजीनियर अलग चैत बैशाख में इंजीनियर नाप के चल गए, ऊ इंजीनियर तो पढ़ल रहें हुकन ठाना रही कि जब बबई नदी कतरा जोर से बही आए यानी कि बाढ़ी कतरा जोर से आए, तो हमार बरघर पहचान का हो कल से थारून के पहचान का हो कल से कौनों भी चीज़ काम कराबर एक तो बरघर से सलाह लेना समझाओ, तर बरघर से फिर सलाह नहीं लेके ऊ चीज़ का होल कल से मनमानी कर गिल यानी कि पहचान होना दबा गिल। यो पुल निर्माण गर्दा फेरि त्यहाँको बर्गरलाई सोध्नु पर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, किन हरेक बर्गर इन्जिनियर हुन्छन् या के हुन्छन् के का बारेमा सोध्ने होइन, बर्गरहरूसँग सोधेर कसरी पुल राम्रो बन्छ पक्की बन्छ, चाहे जुन समुदायको भए पनि चाहे थारूकै समुदायकै भए पनि त्यससँग बुझेको जानेकोलाई होला नि त सोध्नुपर्ने त बर्गरलाई किन? भवाई नदी के छेउछाउ जत्राबाट उहाँ थारू समुदाय बा, थारू समुदाय का गरे बा कलसे उहाँ थारू समुदाय के जुन बुढापाखाबाट हाम्रो अग्रजबाट उहाँ ओकरे पढल नहुटे शिक्षित मनन्थे जेबी त हुकनके उमेर लगभग 40 से ओभर नहुटे,
तो हुकरे जोन देखल बाटे पहले 2052 साल के पहले बहिया जोन साल के जोन दैविक प्रकोप इ हिसाब से वहाँ हुकन से पूछ के हुकन जानकारी नहीं जोन हमार बरघर बाटे बुद्धिजीवी बाटे वहाँ हुकन से समन्वयन करके वो जबड़ी पुल बनत या इंजीनियर हुकरे फिर वह अनुसार नाप के जीते कल से वो जबड़ी पुल नहीं भटकने था। पहलो नंबर तो भ्रष्टाचारी बता सिंह दोस्तों चाहिए ये स्थानीय समुदाय से सलाह ले पड़ना एकदम जरूरी बात प्रत्येक विकास तो हम यदि स्थानीय संग सलाह लिया भाई तो पुल कस्तो बनते कसरी बनाने पर्थ्य हो पहचान हो जोर के यानी कि थारून के पहचान तो बर्गर हुई बर्गन से सलाह लेकर प्रत्येक 10-15 गाँव बाबू बर्गर से सलाह लेना तब जनता यह कुरा बताइन तब भोट कें दिने मैं एक ठो गरीब स्थानीय हुईटू कागर की मैं सुकुम्बासी में जन्म लगा मैं एक ठो गरीब और सुकुम्बासीन के समस्या विशेष बुझला तू कैसे कि अब ठाव ठाव में जाए बेर ठाव ठाव अनुसार फरक फरक समस्या देख मिल गई बा जस्ते बस्ती पुरान बस्ती और जाके जो अब मुक्त कमैया के बस्ती में जाए बेर लालपुर जाके सबसे भारी इश्यू देख मिलल और जंगल के जस्ते बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के छेव छेव जाए बेर चाहे वहाँ होकन के जो वन्य जंतु से पीड़ित बाट वहाँ होकन के ऊ समस्या देख मिलल बा और बबई नदी के छेवछाव रहल समुदाय के चाहे दुबान कटान के समस्या सबसे भारी इश्यू देख मिलल बा ओ जाके जोन बीच के बात हैं जोन तो समस्या भाई अब जनता ले के सुने ना मैं बताई जा तू बीच के बात हैं वहाँ ओकरे चाहे विकास के बात उठाते हैं तो महीन का अगर विश्वास करही कल से मैं एक ठो शिक्षित युवा हुई तू कैसी कि कौन हिसाब से मैं कोरिया मैं 5 वर्ष बिता के रखी तू कोरिया में हेरी विकास कैसे खिलवा ओ वहाँ समृद्धि कैसे खिलवा कोरिया में चाहिए मैं तो मैं चाहिए कोरिया में कंपनी में काम करनु लगभग 3-4 कंपनी काम करनु वहाँ के लगभग बहुत भ्रमण करनु कंपनी कंपनी चाहिए जैसे मैन्युफैक्चर कंपनी रहा जाके वहाँ मैं बहुत अग्रज हमारा कंपनी के साहुन से फिर पूछनु कि हमरे तुरे 50 वर्ष पहले तो हमरे तोहन लगभग दुई पानी जहाज हमरे गहूँ वो चावर पठेली धान पठेली तो तुरे 50 वर्ष बाद में तुरे हमरहीन अतरा ढेर सैलरी देट हो वो अतरा ढेर कामदार चाहता तोहन कैसे के हुई तोहन के देश एक बारे में मैं बिहार एकदम स्पष्ट बूझ के आया तू वहाँ का हो कल से सबसे शुरू में जस्ते सबसे शुरू में बॉडी में का हुई कल से रगड़ सफाई पर उस के वहाँ सबसे शुरू में चाहिए यातायात की सुविधा सबसे बेस्ट लॉन्ग द्रुत गति के मार्ग सबसे फास्ट में बने नहीं वहाँ तो दूसरों काहिल कर से वहाँ के कृषि में जो कृषि में आत्मनिर्भर हुई नहीं जो कौन फिर चीज़ अपने उत्पादन करना वो चीज़ फिर प्रत्येक ठाव में पुगेगा बाजारीकरण की व्यवस्था करने जस्ते कृषि जस्ते कोरिया कुरा कर मैं अलग जानना मन लगे है तो कोरिया में कस्तो त्यो सबै जग्गा सरकारको तर्फबाट सरकारले अनि सबै कुरा हेरिदिने पालिदिने हुन्छ कि के हुन्छ त्यहाँको त्यहाँको जनताको लागि है यहाँबाट त जाने त एउटा कामदारको रूपमा जाने भयो त्यहाँको लागि के हुँदो रहेछ त्यहाँको सरकार चाहिँ सरकारको धेरै मात्रामा चाहिँ सरकारकै जग्गा हुन्छ तर सरकारकै मात्र जग्गा हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक जनताको पनि आफ्नो जमिन हुन्छ उहाँहरूले व्यक्तिगत जमिन हुन्छ खेती किसानी गर्छन् उहाँहरूले तर त्यो जुन जिम्मा छ नि बजारीकरणको व्यवस्था चाहिँ सरकारले नै गर्दो रहेछ जस्तै स्थानीय दूरदराज गाउँले गाउँमा पनि त्यहाँहरू पनि अब कृषि खेती गर्छन् जग्गा नभएका जनता छैनन् सबको त्यो जग्गा छ आफ्नो जग्गा छैन उहाँहरूको धेरैको छैन नि त मैले भने नि उहाँहरू कसरी बाँचिराख्नु भएको छ उहाँहरूको मेन रोजगार बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गरेर नै बाँचिराख्नु भएको छ यही कैसी खोकल से यी रोजगारकै सृजना गर्नका बहुत तहके मै चाहिँ हाम्रो पार्टीको हिसाबले मै चाहिँ 3 तहसे मै रोजगारी बेरोजगारी समस्या समाधान गर सकम के लाग्ला त हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुकुम्बासी बस्ने त्यो चाहिँ सुकुम्बासीलाई चाहिँ सरकारले जहिले जब थारू नेपाली मिक्स हुई जाए त मोर ना सरकार के कावा कलसे हिकन जग्गा फेनाइदेन अल्झाके धरना कराए एक ठो पक्ष बा कागर कि भोट बैंक बना के वहाँ कावा कोरिया हिसाबमा कोरियाके बात बताइ चाहन्छु कोरियामा कावा कलसे सरकारके निश्चित एरिया बा ओम्ने हुक्रे लिजमा लैके खेती गर्दै लीज में लेके खेती करते हैं हुकरे वो मार्केट चाहिए बाजार व्यवस्थापन चाहिए सरकार कर देता तो वो कारण से फिर स्वरोजगार के वो चाहिए स्वरोजगार के काम तो जगह महत्वपूर्ण कुरा रहन्छ नि त जगह महत्वपूर्ण बैठक लाग चाहिँ हुई ना हो तर अब परिस्थिति में कहो कल से जगह प्लस रोजगारी फिर चाह रोजगारी के लाग कहो कल से सरकार एम न कोनो फिर तपाईहरुको योजना के छ ल यता तिर जाऊ
हजुर यो चुनावी यात्राको क्रममा हैन हरेक जनतासँग पुग्नु भला तपाईको क्षेत्रका र उहाँहरुको समस्या के छ र त्यसमा समाधान गर्ने कसरी हैन गर्ने प्रतिबद्धता जाहिर गर्नु भएको छ त्यो बारे जानकारी गराइदिनु न। सुकुम्बासी बस्ती लालपुर जा सम्बन्धी समस्या भयो ऊ समस्या समाधान केलाक हाम्रो ढिलो ज्यान लगाब ऊ समस्या समाधान गरौँ। वर्षौँदेखि पूर्जा पाइला चाहिँ नक्कली हुकन केलाक हाम्रो ढिलो ज्यान लगाब का गरे कि ऊ चिज हाम्रो फे भोक्ति आएला ती ओ मै जन्मनु टपसे भोक्ति आएला तू तो ई समस्या के लागि ढिलो ज्यान लगाइ। और दोस्रो कहावा कल से हमार जोन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज के छेउछाउ मानवीय क्षति अथवा जोन धनजन के क्षति हुइटा वन्यजन्तु के क्षति से एकर लाग हाम्रो एकदमै जोर करब कि हाम्रो तारबार सहित के जोन सेवा सुविधा करना जहाँ कि तारबार से कोनो जनावर बाहर हमार ई क्षेत्र में ना आए पाए को मानवीय क्षति लगायत ओ कोनो धन जन के क्षति ना होए। यदि हुई गिल कर से फिर तुरंत राहत के व्यवस्था करना व्यवस्था हुई पड़ल वो कर लाग ओ जाके अब बबई नदी के छेव छाव बाटें जोन वहाँ समुदाय हो कन के वहाँ समुदाय उनके जो डुबाने का समस्या है जस्ते हमार बबई नदी के छेव छाव जत्रा बाटें सबको गुलहरिया नगर पालिका बारह बर्दिया छेव छाव के वहाँ होकन के कावा कल से डुबान डैम के सबसे भारी इम्पोर्टेंट डैम नहीं बनाते सम सारी इच्छा वहाँ होकर बाढ़ी पीड़ित हुई आ रही तो एकर लाख हमारे डैम के लाख जतरा सेक जाए ढिलो ज्यान लगा के कर ई मोर प्रतिबद्धता हमार प्रतिबद्धता है। ओ जोन बीच बीच के आटे जहाँ जहाँ डगर नहीं पुगल हो बाटो घाटो नहीं मदा हो वो कृषि में जोन व्यवसायकरण के समस्या बा ई समस्या के लाख हमारे ढिलो ज्यान लगा का करे कि अब कृषि में कहा बल से हमारे उत्पादन कर दिली तर उ चीज़ के बाजार के व्यवस्था नहीं हो जस्ते यहीं हमारे लहसुन 20 रुपये किलो बा 25 रुपये किलो नहीं बिकतो तर यही लहसुन काठमांडू में 300 रुपये किलो बिकता ई चीज़ के बाजारीकरण की व्यवस्था नहीं सकते यहाँ बंगुर धमाधम मर गिने ओकर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर दल ओ जाके यह बंगुर 180-200 रुपये किलो में फिर क्यों नहीं ले रहे थे तो वह बंगुर 400-500 रुपये किलो बाजार की व्यवस्था कर पड़ना बा जोन कृषक में जोन समस्या आईटा दुख पीड़ा आईटा हुकन राहत तुरंत ही नहीं हो सकते राहत करना चीज तुरंत ही होना चीज हो ओकर लाख एक वर्ष दुई वर्ष जस्ते गैल पाली फे जन धन धन के सेती हुई जस्ते धान वाली विभिन्न प्रकार के अभी तक पायल नहीं होते अपना अपना ले पाए पहले से फिर अपन अपन खेल पहले जोन अपन अपन व्यक्ति बाटे जोन राजनीतिक तह से नजदीक बाटे वहाँ खेल ओम फिर भेदभाव एक राजनीतिक मार कहवा कल से शिक्षा संबंधी फिर सबसे बड़ा समस्या बा अब कहवा कल से हमारे अपन छाँक काट के फिर मीट मशीनों नहीं खा के फिर हमारे लड़कन लगभग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेना निजी स्कूल में पढ़ेना बाढ़ी जहाँ कि सरकारी स्कूल में हुकन से ढेर शिक्षित टीचर होकर आटे लाइसेंस प्राप्त शिक्षक बाटें टीचर बाटें अनि त्यसपछि स्कूल के संरचना फिर लगभग मजै बा स्कूल सरकारी स्कूल के तर फिर कहाँ गए हमारे निजी स्कूल में पढ़ाई थी कहाँ गए कि वहाँ भाषा सबसे भारी बाढ़ खुल बा अब भाषा के कारण फिर हमार बाढ़ खुल कारण फिर अंग्रेजी माध्यम पर ही कुछ इंटरनेशनल लेवल में आगे बढ़ सकें कहूँ रोजगार पाई सकें कहीं हमारे बोरिंग स्कूल में पढ़ाई थी तर ई सुविधा हमारे सरकारी स्कूल में फिर सामुदायिक विद्यालय में फिर कर सक जाए जोन सुविधा हमारे क्या सब चीज के सुविधा बा इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालय अनिवार्य रूप में जति नेपाली किताब छाप्न त्यति पैसा लाग्छ त्यति अंग्रेजी किताब पनि लाग्छ त्यति नै हो कस्ट त्यसलाई पनि त स्थान दिनु पर्यो त्यही कारणले अहिले हामी आफ्नो छाक काटेर पनि 500 हजार 2000 कति फिस हुन्छ अनि हरेक नागरिकलाई तपाईहरुले के निर्भर आत्मनिर्भर रोज आत्मनिर्भरको यस बारे बताइदिनुहुन्छ युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने मेन त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ यसमा स्वरोजगारका तालिमहरु दिनुपर्ने छ जुन स्वरोजगारका तालिमहरूलाई आर्थिक अनुदान पनि दिनुपर्नेछ आर्थिक ऋणहरू र सहुलियतका ऋणहरू त्यो चाहिँ युवालाई प्रोत्साहन गर्नलाई गर्नुपर्नेछ यो चाहिँ नीतिगत हामीले गर्नुपर्नेछ नीति बदल्नुपर्नेछ यी कुरामा चाहिँ हामी जस्तै योग्य मान्छे जस्तै हामी जस्तै नयाँ युवाहरूलाई पनि साथ युवाहरूलाई नै खाँचो हो युवाहरूले नै नीति बनाउने हो हाम्रो समस्या युवाहरूको समस्या युवाले नै बुझ्छ त्यही कारणले यो स्वरोजगारका तालिमहरू र स्वरोजगार सम्बन्धी जुन आर्थिक सहुलियत हो त्यो सरकारले नै नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने हो दोस्रो कुरा रोजगार यो स्वरोजगारको तालिमले पनि पूर्ण रूपमा बेरोजगारी समस्या त हुँदैन समाधान यसको लागि मैले चाहिँ रोजगार बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने अर्को उपाय पनि छ मेरो त्यो चाहिँ औद्योगिक उदारीकरणको नीति हो त्यसलाई चाहिँ हामीले
लागू गर्न सकिम भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै पनि चीज हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि पनि भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि भन्सार शुल्क मिना हुनुपर्ने हो र प्लस मेसिनरी सामान जुन प्रोडक्टका सामानहरू ल्याउनु पर्नेछ प्रोडक्टका मेसिनहरू ती ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क मिना हुनुपर्ने हो र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि र जुन प्रोडक्ट भइरहेछ त्यसमा चाहिँ कर लगाओस् मेरो हाम्रो मान्यता यो हो। कुनै पनि जस्तै बाइक इन्डियाबाट बनेर आइरहेछ भने फिटिङ भएर आइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लगाओस् तर बाइकका पार्टहरू टुक्रा टुक्रा आइरहेछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भन्सार नलागोस् भन्ने हाम्रो पछि किनकि त्यो उदारीकरणको नीति हो औद्योगिक उदारीकरण नीति भन्सार लगाएन भने फेरि देश कसरी चल्छ त्यो भन्सार लगाएन अरू प्रडक्टहरूमा लगाउने जुन प्रडक्टहरू बनेर आउँछ ती चिजहरू र यहाँ प्रडक्ट त्यहाँबाट सामान ल्याएर यहाँ फिटिङ हुनुपर्ने हो बल्ल रोजगारका सिर्जनाहरू हुन्छन् औद्योगिक उदारीकरण नीति त्यो हो। अनि त्यसपछि कस्तो भनेपछि त्यहाँ अब तपाईँले जति पनि कुराहरू राख्नु भएको छ रोजगारीका सम्बन्धी के यी सम्भव छ सबै तपाईँको क्षेत्रका लागि रोजगारी दिन सम्भव छ? यो एकदमै सम्भव छ। सरकारको विभिन्न प्रकार सरकारके विभिन्न प्रकारके हस्तचार हुइट यी चिजमा एकर लाख बजेट फेरि छुट्या जाए तर एकर लागू नै गराइसके छुट्याए बरवार नेता आफ्नो कार्यकर्ता पल्ना उ हिसाबसे नै हुलक हो तर लागू त बजेटमा त छुट्याइ गेल बा तर यी चिजहरू हामीले लागू कैसे गर सकब कलसे जनटन जुन स्वरोजगारके तालिम दिएके अनि त्यसपछि जुन औद्योगिक उदारीकरणके नीति बताइ ठाउँमै ऊ चिजके लाग्थ्यो जुन यहाँ छोट छोट जस्तै विदेशमा गेला चाहिँ उहाँ सङ्ग्रहण कुछ रकम कमाएकै आइथे कुछ आर्थिक 20-25 लाख रुपियाँ त लैके आइथेँ तर उहाँ ओक्रे यहाँके जग्गा किनके बाहेक अरू कुछ काम नै गर्थे त्यहीँ कोनो फे छोट मोट कारखाना फे खोल्ने अवस्था नै हो वान डोर पोलिसी नै हो जस्तै कोनो फे कम्पनी दर्ता करकलाग जस्तै ज्याक लगाएको पर्न राजनीतिक उम्र फे पहुँच हुक पर्न यी कारण चाहिँ फे कोनो फे एकठो युवा एकठो व्यवसाय ठो कारखाना उद्योग दर्ता गर्न आइसक्यो ठुटै ऊ चिजको लागि वान डोर पोलिसी एकै ठाउँ जाके दर्ता गर सिक्न सजिलो माध्यम यी हुक पर्न हो ओ जाके जोन मै तपाईँहरूले यो नीति नियम लागू गरेपछि यो होइन सम्बोधन हुन्छ बेरोजगार रहनु पर्दैन होइन बेरोजगार हुनु पर्दैन। जस्तै यो भयो भने सबैजना कारखाना खोल्नु लाग्छन् अहिले त अवस्था के छ भने यो औद्योगिक उदारीकरणको नीति नभएर जो यहाँ कारखाना हिम्मत गरेर कारखाना खोल्यो उसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चेर हाल्ने जस्तो भइरहेछ। कस्तो भइरहेछ भने यहाँ कच्चा पदार्थ ल्याउने पनि भन्सार अनि मेसिनरी सामान ल्याउने पनि भन्सार समाधान कसरी गर्नुहुन्छ म भनिरहेको छु त्यहाँ भन्सार शुल्क मिना गर्ने। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हामीले तपाईँहरूलाई प्रश्न राख्न छुटेका र तपाईँहरूले राख्न चाहेका कुराहरू छन् भने हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। राख्न छुटे धारा छुटल त बहुत चिज भयो काकर कि हाम्रो माग मुद्दा बहुत विशेष समस्या बहुत गहिर से समस्या गरल बा यी कलक राजनीतिक एकठो जर गारके बैठल बाटै हाम्रो पुरान पार्टी जुन बडा पार्टी बाटै उहाँ हुकनके एकठो कावा कलसे गरिबन के बारेमा नीति नियम कुछ नै बना लेना वजाके हुकनके पक्षमा कोनो फेवाद नै उठा लेना और स्वरोजगारके तालिम त दिएन तर ओकर लागि प्रोत्साहन युवाहुक नै गर्दैन यी सबको चिज बा विषयवस्तु अब कह छुटलक कावा कलसे हाम्रिन फे एकठो युवन फे आगे बढ्ती कुछ राजनीतिमा पाइला टेक्ती कलसे हाम्रिन फे अवसर दि मौका दि अवसर दि हाम्रो फे अपने हुकनके जुन भोट खेर नै जाइ देब हाम्रो हुकन पस्ताइ नै हुई कि मनो भोट देके अपने हुकन युवा भोट देके एकठो पछुटो हुइटा तो हाम्रो युवा हुकन फे मौका दि हाम्रो फे शिक्षित बाटी हाम्रो फे बहुत ठाउँ घुमके आए राजनीतिक रूपमा कुछ कमजोरी हुई हमार राजनीतिक रूपमा हाम्रो स्पष्ट रूपमा बोले नै सकबी तर करके देखब हमार भाषण शैली ठिक नै हुसे कि काकर कि युवा होइटी हाम्रो राजनीति गर्न नै जान्थी भर्खर भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गर्ला आँटी तर बोल्नमा अशुद्धता हुई जाके भाषण गर्न शैली नै मिल सके तर हाम्रो काम करके देखब भाषा हाम्रिन से सुगुर सुगुर औरै पार्टीके पुरान पार्टी फेरि बोले सके हि जुन पहिले से हुक्रे राजनीतिमा भाषण गर्नमा पोक्टा आँटैँ भाषणै गर्नमा केही पोक्टा आँटैँ यी चिजके लागि हाम्रिन मौका दि हाम्रो काम करके देखब कना मै अनुरोध गर्न चाहटुँ अपने हुकन ओ जाके खुसियाली फैलान चाहटुँ हाम्रो ओ जुन सद्भाव बा हाम्रो यी सद्भाव फैलान चाहटुँ जुन हिसाबसे अब जान्छे समाजमा न विभेदके वातावरण बा यी चिज विभेद अन्त्य गर्न बा यी चिजके लागि फेरि हाम्रो यी चिज धारे चाहटुँ अपने हुकन ओ हाम्रो देश हन एकदम समृद्ध सुशासन ओ जाके समुन्नत बनैना बा ओ शान्त बनैना बा यही कह चाहटुँ सर।